वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह पहली राइड मुझे मिली 4:30 बजे के बाद। IIT कॉलेज से आगे ड्रॉप करना था रेलवे स्टेशन से, IIT कॉलेज से मुझे ड्रॉप करना था रेलवे स्टेशन, तो जिसका मुझे मिला 65 रुपीज़। और उसके में दिखा रहा था 77 मेरे को, लेकिन मिला 65 रुपीज़। आई डोंट नो रैपिडो ऐसा क्यों कर रहा है, मॉर्निंग में इतना अर्ली मॉर्निंग उठना फिर जाना ये सब एग्जीक्यूट करना, देर इज़ अ डिफिकल्ट टास्क इन नॉट गिव द राइट मनी, बट इट्स ओके आई डू माई जॉब, लेट्स गो। भाई साहब रात में सिविल लाइन के नज़ारे तो कुछ अलग ही हैं, मतलब लिटरली ऐसा तो मैंने बहुत रेयरली देखा है कि एकदम खाली रोड सिविल लाइन में। बस अब तो इक्का दुक्का गाड़ियाँ भी चलने लगी, अदरवाइज तो गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी जब मैं आ रहा था। तो फिर आ लीजिए चौराहा है, सुभाष चौराहा है जो कि काफ़ी फेमस चौराहा है सिविल लाइन का, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, अभी नहीं है सही है। सामने लाइटिंग का तो बहुत अच्छा सीन हो गया सिविल लाइन में, फिलहाल तो यही है ऐसा सीन है कुछ इंटरेस्टिंग। साइड जो आपको लाइटिंग थोड़े बहुत दिख रहे होंगे वो संगम है, इस साइड तो पूरा ही होना चाहिए। बट ये ब्रिज कई जगहों की याद दिलाता है आपको, ऐसे कई सारे ब्रिज सिमिलर देखने को मिलते होंगे, अगर आप एक ट्रेवलर हो तो डेफिनेटली आप जानते होंगे। तो अभी मुझे आप लोग सोच रहे हो कि मैं नैनी ब्रिज पे कहाँ से आ गया, मुझे रैपिडो पे ये मेरी थर्ड राइड थी आज की, तो उससे मुझे यहाँ एलनगन से मिल गई थी राइड छवकी के लिए, तो मुझे छवकी जाना पड़ा, हालांकि मेरे जाने का मन नहीं था, तो फिलहाल मुझे उसका 90 रुपये मिला। ठीक है एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है जिसके कारण से फटी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मौज तो मौज है, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग करना ही करना पड़ेगा। और अभी ब्लॉगिंग का सेटअप पूरा अच्छे से तैयार नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है ब्लॉगिंग करने में, वो एक हाथ से बाइक चलाओ एक हाथ से, टू डिफिकल्ट फॉर मी, फिर भी आई जस्ट ट्राई टू डू माई बेस्ट। आपको थोड़ा सा वीडियो शेकिंग का भी प्रॉब्लम दिख सकता है, उसमें दो रीज़न है, पहले तो बाइक चल रही है कंटिन्यूसली, दूसरा हैंड में फ़ोन है, तीसरी ठंड है, तो कई सारे रीज़न है फॉर वन वीडियो ऑन वीडियोज। नाउ इफ यू आर रिकमेंड मी हाउ टू इम्प्रूव माई स्टोरी टेलिंग विद द मोटर व्लॉग्स, प्लीज रिकमेंड मी, इट्स माई प्लेजर, आई टेक योर कमेंट्स वेरी सीरियसली, थैंक फॉर इंजॉइंग द ब्लॉग। आई थिंक आई एम वेक अप 4 o'clock एंड देन स्टडी इन CSS एवा, इधर से चले सीधा चलते हैं, क्या पता कुछ राइड मिल जाए। हाँ जी, तो अभी अभी हम निकल लिए हैं जानसेनगंज के लिए, हमें एक बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट चाहिए थी। हाँ जी, तो अभी मैं आया हूँ जानसेनगंज, और जानसेनगंज में भी मैं जा रहा हूँ पंदरी मार्केट में, और इस मार्केट का नाम है पंदरी मार्केट। यहाँ पे आपको सारे आपको यहाँ फ़ोन कवर टेम्पलेट वाला काफ़ी सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, तो ये मतलब इलाहाबाद की काफ़ी अच्छी मार्केट है, अगर आपको फ़ोन इस सीरीज से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेना है तो डेफिनेटली आप यहाँ आ सकते हो। भैया बायोमेट्रिक वाला फिंगरप्रिंट मिल जाएगा क्या, अपने यहाँ मिलेगा कहीं? कैसे वाले मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ पे? कैसे वाले पीछे, इसके पीछे जाना है, इलेक्ट्रॉनिक वाले। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वाले। और ये Realme 3 Pro का कवर रखे हैं क्या? ठीक है भाई, कवर लगवाना था और रियल मी 3 Pro में, 3 Pro है। भाई साहब क्या मिल जा रहा है, एक दो जगह और पता किया था मिल नहीं पाया, थोड़ा सा YouTube पे वीडियो भी बना लेता हूँ यार।
यही है, यही जिससे वीडियो बना रहे हैं। इसमें का नहीं है क्या? इसमें का बस यही है क्या? और कोई है? ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर और कोई हो दिखा दो भाई। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाने के लिए इधर इस रास्ता है। ठीक साला, अंदर जो जो मार्केट बनी हुई है इतनी गंदी गंदी साली, ये हालत खराब हो जाएगी भाई साहब इसमें तो। ऐसा पूरा मार्केट ही मार्केट है। मैं बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मिल जाएगा क्या? हम लोग सीधा इलेक्ट्रॉनिक वाली मार्केट में आ गए हैं, अब यहाँ चल के ढूंढते हैं बायोमेट्रिक। अब कहाँ मिलेगा ये तो पता नहीं है, फिर भी ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ मिलता है। सीनियर मैं लगता है जानते नहीं उसके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में नहीं मिलेगी। अब वो लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि इंदिरा भवन जा कर पता करो। अब चलते हैं इंदिरा भवन, वहाँ देखते हैं, अगर वहाँ मिल जाएगा तो ठीक है। यार पांडरी मार्केट बहुत अच्छी मार्केट।